अगर आप ALP का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो थोड़ा दिन और इंतजार कर लीजिए, अभी टाइम है। ठीक है, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी वैकेंसी को लेकर के देखिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन से जोन से अप्लाई करें, तो अभी वैकेंसी इतनी कम है, अभी बिलासपुर जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो ज़्यादा बच्चों का टारगेट वहीं बना हुआ है, तो अभी थोड़ा इंतजार करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि आज लोकसभा में भी ये बात उठा है वैकेंसी को लेकर के, तो एक सप्ताह में उसका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि वैकेंसी और बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। हालांकि रेलवे बोल दिया कि वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी अभी आवाज़ उठ रहा है, प्रोटेस्ट हुआ है, जो भी चीज़ें चल रहा है, तो थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। उसके बाद से क्या होता है ना इसमें कि आप बिलासपुर बहुत सारे बच्चे भरने वाले हैं, फिर क्या होगा कि वैकेंसी थोड़ा अगर इंक्रीज हो गई और किसी और जोन में थोड़ा वैकेंसी आ गया, तो फिर अफसोस होगा कि हम अपने एरिया जोन में नहीं भरे और दूर भर दिए, कहीं और चले गए, तो इससे क्या दिक्कत होता है। ठीक है, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, एज ए टेक्नीशियन के रूप में मैंने 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें एग्जाम दे करके 2020 में ज्वाइनिंग किया, तो एक अच्छे तरह से अच्छी गाइडेंस मेरे तरफ से आपको मिलेगी कैसे तैयारी करना है। तो टेक्नीशियन 9000 वैकेंसी है, आप हमसे जुड़िए, अभी हम एक टारगेट सीरीज शुरू करने वाले हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, A to Z आपको प्रॉपर गाइडेंस स्ट्रेटजी मिलेगी। ठीक है, एक बात ध्यान देना, क्या होता है ना कि बच्चे दूर दूर जाने का सोचते हैं, जैसे मैं बेंगलोर आ गया, कुछ बच्चे चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ऐसे गुवाहाटी, दूर दूर तक जाने का सोचते हैं कि दूर जाने से क्या है, वैकेंसी थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले बार जो हुआ वो काम अभी मत कीजिएगा, बच्चे दूर दूर चले गए और जो उनका नियरेस्ट जोन था, जैसे आपका गोरखपुर में, मुजफ्फरपुर में, ये जगह पे कट ऑफ कम चला गया, लेकिन बाकी जगह कट ऑफ ज़्यादा चला गया, तो सोच समझ के फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अभी थोड़ा टाइम लीजिए, मैं सबको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, एक कंपेयर करके हम देखेंगे कि कौन सा जोन थोड़ा ठीक है, कहाँ पे आपका ड्यूटी सेफ रहेगा, कहाँ आपका नज़दीक पड़ेगा, ये सब देख लीजिए। दूसरी बात, आप ना भले अपने नज़दीक एरिया में जॉब लीजिए, भले थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर लीजिए, ज़्यादा कंपटीशन हो, ज़्यादा वहाँ लोकल में बच्चे भर रहे हैं, फिर भी आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, लेकिन अपने एरिया में ही जॉब लीजिए, दूर दराज मत जाइए। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। लोग ये सवाल बार बार पूछ रहे थे कि क्या फॉर्म अप्लाई कर दें, उसके बाद से बहुत सारा सवाल आपका है, कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट के एक स्टूडेंट पूछे थे, तो मैं बता दूँ, कोई भी कास्ट से हो आप, आपका सेंट्रल ही लगेगा। ठीक है, अभी लगातार ये मुद्दा उठ रहा है, तो आप इस पर नज़र गड़ाए रखिए, तैयारी को लेकर के बिल्कुल भटकना नहीं है, आपको समय देना है तो अच्छे से स्ट्रेटजी बना के देना है, क्योंकि पोस्ट कम है, अगर लोको पायलट बनना चाहते हो तो सही तरीके से सही जगह पे तैयारी कीजिए। बिल्कुल कोई कोर्स नहीं लेना है, बिल्कुल किसी के बातों में नहीं पढ़ना है, सेल्फ स्टडी, एक टारगेट बना करके एक प्रॉपर तरीके से सेल्फ स्टडी करना है, कोई कोचिंग नहीं, कोई कोर्स नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी मैं गाइडेंस के लिए हूँ आपके साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।